राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। आइए जानते हैं तिजोरी से जुड़े कुछ खास वास्तु नियम। ध्यान रहे, तिजोरी के सामने कभी बाथरूम या गंदगी न हो, इसे कभी भी खाली न छोड़ें। उसमें थोड़ा बहुत धन हमेशा रहना चाहिए। हो सके तो तिजोरी के ऊपर मिरर यानी शीशा लगाएं, जिससे तिजोरी खोलते और बंद करते समय आपको खुद अपनी इमेज उसमें नजर आए। ऐसा करना शुभ माना गया है। तिजोरी को गंदे हाथों से न छुएं और तिजोरी को ऑपरेट करते समय जूते चप्पल न पहने। पूजा करते समय तिजोरी को खोलकर पूजा जरूर करें और भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी जी का ध्यान भी अवश्य करें। तिजोरी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर रखें और मांगलिक दिनों पर इस कपड़े को बदलते रहें। तिजोरी के ऊपर किसी तरह का बोझ न रखें। तिजोरी रखने की सबसे अच्छी जगह है दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य। इस तरह से यह आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर खुलती है, यानी आप तिजोरी को साउथ वेस्ट में रखें ताकि ये नॉर्थ ईस्ट में खुले। अगर आर्थिक परेशानियों ने आपको घेर रखा है तो दक्षिणावर्ती शंख को अपनी तिजोरी में रखकर स्थापित करें। बिल्ली की झेर यानी बिल्ली की प्लेसेंटा, ये मिलना बहुत कठिन है, लेकिन यकीन मानिए यह तिजोरी के लिए एक बेहद अचूक उपाय है। जो लोग इस बात से दुखी हैं कि उनकी तिजोरी धीरे धीरे खाली होती जा रही है, उन्हें एक बिल्ली की झेर को श्रद्धापूर्वक धूप दीप दिखाकर चांदी के बर्तन में सुरक्षित रखते हुए अपनी तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। सांप की कांचरी यानी सांप की वह डेड स्किन जिसे सांप अपने आप उतार देता है, उसे भी धूप दीप दिखाकर तिजोरी में सुरक्षित रखना शुभ माना गया है। फिर बिल्ली की जेर हो या सांप की कांचरी, इन्हें मांगलिक अवसरों पर बीच बीच में धूप दीप दिखाते रहें, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुछ नई टिप्स के साथ आपकी पंडितायन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद कीजिए।